रिलेशन क्या होता है? डेफिनेशन क्या है रिलेशन का? और रिलेशन आपको डेफिनेशन दिया होगा ना, और रिलेशन फ्रॉम सेट ए इनटू सेट बी, और सिंबलिकली इट इज रिटन लाइक दिस, आर ऑफ ए टू बी, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी. A relation from set A into set B is a subset of A cross B. Subset of A cross B. A cross B मतलब इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? A cross B इसको क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट. इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट. कार्टेशियन प्रोडक्ट पता है यस सर. क्या होता है वो? सर मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेट ए एंड सेट बी इन अ डेफिनेट ऑर्डर. डेफिनेट ऑर्डर. Let A is the 1, 2, 3, and B is the set B is the AB. तो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स होंगे? A elements of A into elements of B, तो फिर 6. तो इसको बोलते हैं कार्डिनलिटी ऑफ ए, एन ऑफ ए, एन ऑफ ए, और इसको सीधा ऐसे आप लिख सकते हो. ओके इसको बोलते हैं कार्डिनलिटी. कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए दैट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट ए. इसमें कितना, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर हियर? 3. एन ऑफ बी कितना? 2. इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? ए क्रॉस बी. इसमें सब पेयर एलिमेंट्स रहेगा, 1A, 1B, 1 के साथ A, 1 के साथ B, then 2A, 2B, 3A, 3B. ओके इसको बोलते हैं A क्रॉस B. तो इफ A हैज If n of a has or is n, then n of a cross b क्या होगा? m into n. m into n, m n elements है. तो इनके power set में कितने elements होगा? इसका कितने सारे सबसेट्स होता है? नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी कितना होता है?
नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, इसका कितने सारे सबसेट्स होंगे? टू, दो सबसेट होंगे, क्या क्या? ए एंड बी। सर सिक्स, सिक्स सबसेट्स। इसका कितने सारे सबसेट्स होता है? ये आप लोग का स्कूल में था सर, इसका सिक्स सबसेट्स है। सिक्स सबसेट्स, यस सर। टू एन ऐसा होता है सबसेट, फॉर्मूला फॉर सबसेट। ऋषि बोलो इसका क्या क्या सबसेट होगा। मैं छह सबसेट का लिख पाऊंगा। वन ओनली, वन फिर ओनली टू, ओनली थ्री, फिर वन टू, टू थ्री, थ्री वन और वन टू थ्री। तो ये तो ऑलरेडी छह हो चुका है। हाँ सॉरी सर, सेवन होगा। सेवन होगा, नहीं सर एट होगा, और एक नल सेट भी आएगा। यस सर एट होगा। तो दीज आर द सबसेट्स। ये कैसे होता है नल सेट? मतलब आप ये कोई भी एलिमेंट को सिलेक्ट नहीं किए, ओके? इसका मतलब जो आपको तीन एलिमेंट दिया गया था उससे कोई भी एलिमेंट आप सिलेक्ट नहीं किए। इसका मतलब आपको एक एक एलिमेंट आप लिए, यू सिलेक्ट वन वन एलिमेंट्स फ्रॉम वन टू थ्री। इसका मतलब यू सिलेक्ट टू टू एलिमेंट्स फ्रॉम थ्री एलिमेंट्स, दैट इज थ्री सी टू। इसका मतलब आप सबके मतलब सारे के सारे एलिमेंट्स ले लिए, मतलब आउट ऑफ थ्री आप तीनों के तीनों सिलेक्ट कर लिए। इसका मतलब होता है थ्री सी थ्री। थ्री सी जीरो प्लस थ्री सी वन, नंबर ऑफ सबसेट होता है इतना। थ्री सी जीरो प्लस थ्री सी वन प्लस थ्री सी टू प्लस थ्री सी थ्री, कितना होता है ये? टू रेस्ट टू थ्री। तो लाइक दैट इफ ए हैज, इफ एन ऑफ ए और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए is m, then number of subsets कितना होगा? 2 raised to n। 2 raised to n, ये भी वही फॉर्मेट होता है। mc0 से लेके mc1, m का सम, mc0 plus mc1 plus mc2 up to plus mcm। बाइनोमियल थ्योरम में ये पढ़े होंगे। टू रेस टू, इतने सारे सबसेट्स आपका होता है। तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए प्लस बी कितना होगा? यहाँ पे कितना था एलिमेंट्स? सिक्स एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ सबसेट्स होगा 2 raised to 6, मतलब 64 सबसेट्स। आपको एक केस में आपको 64 सबसेट्स मिलेगा। तो आउट ऑफ 64 सबसेट्स आप कोई भी सबसेट उठाओ, आप कोई भी सबसेट उठाओ, दैट सबसेट अ रिलेशन। ईच एंड एवरी सबसेट रिप्रेजेंट एज अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए इनटू सेट। ओके, सपोज ये तीन एलिमेंट को लेके मैंने सबसेट बनाया, तो आपको क्या मिला? 2a एक सबसेट उठाया, ये तीन एलिमेंट लेंगे, 2a, 3a, 3b, है ना? आपका रिलेशन क्या हो जाएगा? आपका 2 सेट a में 2, 3 b में रहा, तो 2 के साथ a का रिलेशन हुआ, 3 के साथ a का हुआ, लेकिन 3 के साथ b रिलेशन।
These are the relations. कोई भी सबसेट उठाओ, आउट ऑफ ए केस में आपको 64 सबसेट मिल रहा है, आउट ऑफ 64 सबसेट कोई भी सबसेट उठा लो, ईच एंड एवरी सबसेट बिकम अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए इनटू सेट बी, इंक्लूडिंग नल सेट आल्सो, नल सेट भी आपका रिलेशन होता है, ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ सबसेट को क्या बोलते हैं, जो जितने सारे सेट सबसेट को एक ये रखते हैं, सेट बनाते हैं, वो सेट को क्या बोलते हैं, पावर सेट बोलते हैं, ठीक है, दिस इज कॉल्ड पावर सेट। एंड डिनोटेड बाय दिस पी ऑफ ए, जो पी ऑफ ए होता है, ए होता है 2:2, सॉरी वो डिपेंड ए का एलिमेंट के ऊपर, तो नोट में रखो, इफ ए हैज एम एलिमेंट्स, बी हैज एन एलिमेंट्स, देन ए प्लस बी हैज एम एन एलिमेंट्स, एंड पी ऑफ ए क्रॉस बी इसमें कितना रहेगा, 2:2 एम एन, पी ऑफ ए क्रॉस बी मतलब दिस इज कॉल्ड पावर सेट। हाँ, ठीक है, और इसका नंबर रखोगे, पावर सेट मतलब सेट होता है, इसका नंबर रखोगे, कार्डिनलिटी रखोगे, दैट 2:6 है। दिस इज कॉल्ड रिलेशन। फंक्शन किसको बोलते हैं, ये आपका जो मिला ये आपको रिलेशन, व्हाट इज फंक्शन, डेफिनेशन ऑफ फंक्शन क्या है, डेफिनेशन ऑफ फंक्शंस क्या है, रिलेशन फंक्शन सब कुछ हुआ है ना, फंक्शन का डेफिनेशन बताओ, और रिलेशन फ्रॉम सेट ए इनटू सेट बी, दैट इज, इसको ऐसे बोलते हैं, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड ए फंक्शन only if each and every element of A there exists a unique image in B, आप A का कोई भी एलिमेंट उठाओ उसका यूनिक इमेज B में होना चाहिए, इज दैट क्लियर, यस सर, A का कोई भी एलिमेंट उठाओ A सेट से, फंक्शन फ्रॉम सेट ए इंटू सेट बी,
लेट अस टेक दिस इज द सेट ए, दिस वन सेट बी, 1 2 3 4, लेट ए बी सी डी ई, ठीक है? तो मैं कुछ दे रहा हूं आपको, बताना है वेदर इट इज, मैं कुछ रिलेशंस दे रहा हूं आपको, बताना है कि वेदर इट इज फंक्शन और नॉट, ठीक है? आई एम गिविंग सम रिलेशंस, मैं पांच रिलेशंस दिया आपको, आप बताए वेदर इट इज फंक्शन और नॉट। फर्स्ट वन फंक्शन, यस सर। सबको लग रहा है? नो सर। और कितनों को यस लग रहा है? जस्ट रेज योर हैंड। दोज आर थिंकिंग दिस इज द फंक्शन, जस्ट रेज योर हैंड। अच्छा, जिसको लग रहा है यस, यस में दो, ओके। जिसको लग रहा है कि ये फंक्शन नहीं है, रेज योर हैंड। एक दो तीन चार पांच को लग रहा है इट इज नो, इट इज नॉट ए फंक्शन। दो को लग रहा है कि ये फंक्शन आउट ऑफ 33। बाकी सबको कुछ नहीं लग रहा है,
लोअर यू हैंड, बाकी कुछ को, बाकी सबको कुछ नहीं लग रहा है, तो अभी डाउट है कि आप लोग सुन रहे हो को नहीं सुन रहे हो, ऐसा होता है कि लॉग इन कर दो, बैठ जाओ और कुछ करो। डेफिनेशन क्या बोला? अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए इनटू सेट बी इज कॉल्ड ए फंक्शन इफ ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए देयर एग्जिस्ट यूनिक इमेज इन बी। ए से आप कोई भी एलिमेंट उठाओगे, अच्छा ये जो केस में यहाँ पे आप देखोगे एफ ऑफ वन क्या आप दे रहा है आपको, बट दिस केस बी, बी दे रहा है, ठीक है ना, तो बी को बोला जाता है इमेज, वन को बोला जाता है प्री इमेज, ठीक है। ए को बोला जाए, सॉरी बी को बोला जाएगा इमेज इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई देन वाई इज कॉल्ड इमेज ऑफ एक्स एंड एक्स इज प्री इमेज ऑफ वाई, प्री इमेज। सॉरी सर वो टू देखा नहीं मैंने ए में। क्या बोल रहे हो सर? वो टू जो ए बी में नहीं है ना वो मैंने देखा ही नहीं था, सॉरी। ओके तो इसमें जो दिया गया डेफिनेशन क्या बोल रहा है? ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए देयर एग्जिस्ट यूनिक इमेज इन बी। यहां पे आप कोई भी एलिमेंट उठाओगे उसका इमेज होना चाहिए, वन का इमेज बी, थ्री का इमेज ए, फोर का इमेज ई, टू का इमेज कहाँ है? सो नहीं है, नहीं है ना, तो इट इज अ रिलेशन बट नॉट ए फंक्शन। फर्स्ट वन इज द रिलेशन बट नॉट ए, समझ में आया? यस सर। अब बताओ सेकेंड वन कितनों को लग रहा है? यस जस्ट रेज योर हैंड इफ यू थिंक सेकेंड वन इज द फंक्शन, जस्ट रेज योर हैंड। पैर क्या हुआ? हाथ ऊपर किया था फिर नीचे कर दिया। विचार नो कितनों को लग रहा है? नो यस वाला लोअर योर हैंड्स। अभी नो में ये भी पांच नहीं ये चार।
ये भी चार हो गया। मतलब एनी हाउ 9 आंसर आउट ऑफ 33। ठीक है सर, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, अभी आपने क्या क्या करवाया? वही फंक्शन चल रहा है, आपको बताना है कि मैं कुछ रिलेशंस दिया है तो आपको बताना है कि वेदर इट इज फंक्शन और नॉट। ओके यस सर, सेकंड वाला इज अ फंक्शन। फंक्शन यस सर। यस 6। चलो देखते हैं। सर नो नहीं, यस है। ये 5.5 तो टाई। पांच बोल रहे कि फंक्शन, पांच बोल रहे कि फंक्शन नहीं है। अच्छा, ईच एंड एवरी एलिमेंट का इमेज है कि नहीं है ये पहले बता दो। यस यस सर, इमेज है। आपको क्या चेक करना है कि सेट ए हमेशा फिलअप होना चाहिए, सेट ए में कोई एलिमेंट बचना नहीं चाहिए। ठीक है, सेट ए फिलअप हुआ है। यस सर। अब आपका मैंने बताया था कि कोई भी एलिमेंट उठाओगे सेट ए का, कोई भी एलिमेंट उठाओगे उसका एक ही इमेज होना चाहिए, यूनिक इमेज होना चाहिए, एक ही इमेज होना चाहिए। वन का कितने सारे इमेजेस है? वन वन एक है। टू का? वन वन एक है। थ्री का? वन। फोर फोर का का? भी वन। यस सर, वन है। वन। तो सबका यूनिक इमेज हुआ कि नहीं हुआ? यस सर, हुआ। यस सर। यूनिक मतलब वन इमेज होना चाहिए, दो चार नहीं होना चाहिए। यस सर, वन का दो चार इमेज नहीं होना चाहिए। मैंने ऐसा नहीं बताया था कि वन टू का सेम इमेज नहीं होगा, ऐसा नहीं बताया था। कोई भी एलिमेंट ए का उठाओगे उसका एक ही इमेज होना चाहिए। तो क्या होगा, फंक्शन होगा कि नहीं होगा? होगा सर। यस सर, दिस इज द फंक्शन। समझा? यस। ओके अभी थर्ड वन बताओ। नॉट अ फंक्शन। नॉट अ फंक्शन। नॉट अ फंक्शन क्यों? संगीत थ्री का कोई थ्री का इमेज इमेज नहीं है। यस। फोर फंक्शन है। फंक्शन फंक्शन है। फाइव भी फंक्शन, क्योंकि सबका इमेज नहीं है। फाइव नॉट फंक्शन। यस सर, फाइव नॉट, क्योंकि फोर का दो इमेज है। फोर का टू डिफरेंट इमेजेस है, ठीक है ना? अच्छा, टेल मी अंडर व्हाट कंडीशन आपका फिफ्थ वन एक फंक्शन हो जाएगा? अगर फोर का सिर्फ एक, अगर फोर का एक ही इमेज हुआ तो एक ही इमेज होगा, बट मैंने तो दो दिया, तो अंडर व्हाट कंडीशन? सर क्वाड्रेटिक होगा तो हो जाएगा। सर दोनों इमेज में कोई रिलेशन होगा तो, अगर दोनों इमेजेस इक्वल होंगे तो b इक्वल्स टू e। इफ b इज इक्वल टू e होगा देन हम इसको डबल काउंट नहीं कर पाएंगे, जैसे कि 1 2 3 1 4 3 2। How many elements are here in this set? Four. कितने सारे elements? Four. Four elements. इसमें ऐसा नहीं होता कि seven elements होता है. Okay? इसको rearrange करके आप ऐसे लिख सकते हो. 1 2 3. One को मैं 10 बार लिखूंगा तो फिर भी हम एक ही count करेंगे.
दस बार काउंट नहीं करेंगे. इफ बी इक्वल टू ई तो बी आप ऐसा लिखने दो, कोई दिक्कत नहीं, बट हम काउंट नहीं करेंगे इसका दो एलिमेंट, इसका एक ही एलिमेंट काउंट करेंगे. तो इफ बी इज इक्वल टू ई देन दिस बिकेम फंक्शन, अदरवाइज नॉट ए फंक्शन. इफ बी इज नॉट इक्वल टू ई देन इट इज नॉट ए फंक्शन एट ऑल. ठीक है, एनी हाउ दिस इज नॉट ए फंक्शन. समझा? यस सर. यस सर. Here, a function from A to B a function, it is denoted by this function from A to B. If this is the function, then A is called, A ko kya bolte hai? डोमेन, एंड डिनोटेड बाय डीएफ. डीएफ मतलब डोमेन ऑफ फंक्शन. एंड बी इज कॉल्ड रेंज. नो, को डोमेन. बी इज कॉल्ड को डोमेन एंड डिनोटेड बाय, नहीं इसको डिनोटेड नहीं किया जाता, बी इज कॉल्ड. तो यहाँ पे ये क्या हो गया, दिस इज द फंक्शन, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डोमेन सेट ए इज कॉल्ड डोमेन, सेट बी इज द कोडोमेन. तो रेंज क्या होता है, रेंज क्या होता है, इसका रेंज जो होगा ना, रेंज होगा इसका बी सी एंड ई. कितने एलिमेंट्स के साथ वो रिलेट हुआ है, तीन एलिमेंट ना. यस सर. तो जितने एलिमेंट्स के साथ वो रिलेट करेगा वो दैट सेट इज कॉल्ड रेंज. तो बी सेट को रेंज नहीं बोला जाता है, बी सेट को कोडोमेन बोला जाता है. ठीक है, एंड तो इसका मतलब रेंज ऑलवेज सबसेट ऑफ कोडोमेन. एक केस में आपका नॉट ए फंक्शन, नॉट ए फंक्शन, ये केस में फंक्शन था, तो इसका रेंज क्या होगा, ए इज कॉल्ड डोमेन. आपका डोमेन सेट में क्या रहेगा, 1 2 3 4, दैट इटसेल्फ सेट है. रेंज सेट क्या रहेगा, सॉरी कोडोमेन क्या है, ए बी. कोडोमेन इज द आपका ए कमा बी, that itself set B. range क्या होगा, only A, which is the subset or equal. okay, B is called codomain and range is the subset or equal to B, मतलब codomain. डोमेन के साथ इक्वल कभी कभी होगा, सबसेट नहीं तो. समझाइए, राइट डाउन.
बेटा युवराज कितने बजे आज जॉइन किया? Done.
डन यस सर व्हाट इज डोमेन डेफिनेशन ऑफ डोमेन डोमेन क्या होता है If y is equal to f of x, तो डोमेन किसको बोलते हैं? x को समझो ना x x कैसे पता चलेगा x if y is equal to f of x, then the set of values of x सर x will satisfy y yes the set of values of x for which f of x defined the set of values of x for which f of x defined is called domain of f of x is called domain of x for an example f of x is equal to under root x minus 3 तो इसका डोमेन क्या होगा इसका डोमेन क्या होगा डोमेन मतलब The values of x for which ये आपका defined होना चाहिए जो given function है ना वो defined होना चाहिए तो ये कब defined होता है three same पर जब x minus 3 positive होता है greater than equal to 0 होता है this one defined when x minus 3 greater than equal to 0 क्योंकि ये negative हो नहीं पाएगा ठीक है ना implies what x greater than equal to 3 3 से कहां तक जाएगा more than equal to 3 3 से कहां तक होगा infinity तो इसको हम एक set format में लिखेंगे तो set कैसे लिखेंगे how to write in the form of set फंक्शन जो होता है ना रियल नंबर के ऊपर होता है ऑल रियल नंबर्स के ऊपर होता है तो इन जनरल हम कुछ नहीं दिया गया मतलब इट इज ऑन अ रियल टू रियल तो x वैल्यू मुझे मिला 3 से लेके इनफिनिटी तक तो आपका सेट को कैसे लिखोगे हाउ टू राइट योर सेट 3 से लेके इनफिनिटी 3 पे क्या होगा close bracket infinity open this is your domain suppose f of x is equal to 2 upon x minus 3 so domain kya hoga iska domain kya hoga All real number except 3. Yes. आपका डिनोमिनेटर दिया गया मतलब डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होना चाहिए तो x minus 3 is not equal to 0. तो x is not equal to 3. x is not equal to 3. बाकी कुछ भी करो आपका ये फंक्शन डिफाइंड होगा तो कैसे लिखेंगे ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3. आपको सेट में लिखना है आप ऐसे लिख सकते हो आप और आप ऐसे लिख सकते हो माइनस इनफिनिटी से लेके प्लस इनफिनिटी अदर देन 3 ऐसे लिख सकते हो नहीं पूरा सेट में लिखना है तो ये भी सेट में है पूरा ऐसे ब्रैकेट फॉर्मेट में इंटरवल फॉर्मेट में लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो माइनस इनफिनिटी से लेके 3 यूनियन 3 से लेके
ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब थ्री आपका नहीं है, ये आपका थ्री, ये एक पॉइंट हट जाएगा, एक पॉइंट रिमूव हो जाएगा, तो थ्री से लेके आगे, थ्री से पीछे, ये सब एप्लीकेबल है। एग्जैक्ट थ्री नहीं होगा, इसलिए थ्री पर क्या हो रखा मैंने, दोनों साइड में ओपन रखा, क्लोज नहीं, क्लोज करोगे तो पॉइंट इंक्लूड हो जाता, ओपन रखोगे तो वो पॉइंट हट जाता, रिमूव हो जाता। रेंज क्या होता है, व्हाट इज रेंज, ये तो हो गया डोमेन, रेंज क्या होता है, इफ y इज इक्वल टू f ऑफ x then the set of values of y the set of values of y x को आप पहले डोमेन मिलता है, डोमेन को आप यूज करने के बाद जो y का वैल्यू मिलता है, तो जो f ऑफ x का वैल्यू मिलता है, दैट सेट इज कॉल्ड रेंज, कोडोमेन, नो नो कोडोमेन नहीं, कोडोमेन नहीं, दैट इज कॉल्ड रेंज, देन द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y, the set of values of y, if y is equal to f of x then the set of values of y is called orange। जैसे कि एक क्वेश्चन में आपका ऐसा फंक्शन दिया जाएगा, फॉर दिस क्वेश्चन आपको दिया जाएगा फंक्शन फ्रॉम 3 टू इंफिनिटी, एक क्वेश्चन में ये टोटल रियल नंबर, तो आपका इसका वाई का वैल्यू क्या हो सकता है, ये इसका आउटकम्स क्या हो सकता है, अंडर रूट एक्स माइनस थ्री, ये इनसाइड वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, आउटसाइड वैल्यू भी नेगेटिव नहीं होता है, ओके, इसका जो रेंज होगा, इसका जो रेंज होगा जीरो से लेके इंफिनिट तक, इसका जो रेंज होगा जीरो से लेके इंफिनिट तक, तो यहां पे दिया गया कि थ्री से लेके इंफिनिट, देखो डोमेन हमेशा सेट ए होता है, ये सेट ए, ये आपका सेट बी, ये आपका डोमेन, ये आपका कोडोमेन, तो रेंज जो होगा वो कोडोमेन का, कोडोमेन के साथ इक्वल हो सकता है, नहीं तो सबसेट होगा, बट ये जो दिया जाता है ना, ये डोमेन यहाँ पे मैं सपोज इफेक्ट बाय चांस इसको मैं 2 टू इंफिनिटी लिख दिया तो ये फंक्शन नहीं बनेगा, इसको मैंने सपोज ऐसे दे दिया फंक्शन ऑफ 2 टू इंफिनिटी आर एंड इट इज गिवन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिस, दैट मीन्स दिस इज नॉट ए फंक्शन, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसका डोमेन क्या है, यही आपका डोमेन, फर्स्ट सेट आपका डोमेन 2 टू इंफिनिटी, बट आपका डोमेन ए के हिसाब से क्या आ रहा है 3 टू इंफिनिटी, इसका मतलब कुछ एलिमेंट्स इसका इमेज नहीं है आपके पास, तो ये डोमेन, ये फंक्शन हो नहीं पाएगा अंडर दैट केस, ठीक है, हाँ अब बताओ इसका रेंज क्या होगा, ये जो वैल्यू होता है ना कोई भी स्क्वायर रूट का वैल्यू मोर देन इक्वल टू जीरो होता है, तो इसका रेंज जो होगा जीरो से लेके इंफिनिट तक, इसका रेंज क्या होगा, ये फंक्शन का रेंज क्या हो सकता है, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, क्या माइनस टू से टू इतना ही होगा, मतलब इंटरवल क्या दो, इंटरवल
क्लोज ओपन क्या दूं? क्लोज क्लोज ओके लेट अस टेक x is the 1/100 1/10 ले लो 1/10 इसका डोमेन में है टोटल रियल नंबर एक्सेप्ट 3 से 1/10 है यस सर तो x वैल्यू में 1/10 ले सकता हूं ना तो आप देखो 2/(1/10 - 3) कितना हुआ 20/(-29) यस माइनस अच्छा तो इसके अंदर आ जाता है रुको ठीक है x को रखता हूं 29/10 रखो कितना हुआ 29 - 30 - 1 ऊपर 10 चला गया -20 हो गया करेंट तो -2 से लेके +2 था तो ये वैल्यू तो आ रहा है और ये 29/10 आपका डोमेन में है तो ये गलत होगा और किसी को कुछ लग रहा है रेंज क्या होगा -∞ to ∞ मतलब रियल नंबर पूरा रियल नंबर Yes, sir. अच्छा मुझे आप x का वैल्यू कुछ दे दो जिसके लिए f of x 0 हो जाएगा For what value of x your f of x become 0 3 3 x, से undefined no. हो 3 रखो तो ये तो 2/0 undefined हुआ इसलिए तो 3 को तो रख नहीं पाए हम डोमेन में क्योंकि फंक्शन को अनडिफाइंड कर रहा है फिर x के जगह कैसे 3 रखोगे आप मुझे कोई x वैल्यू बताओ जिसके लिए ये 0 होगा सर इनफाइनाइट इनफाइनाइट थोड़ी रहता है आपका डोमेन में आप इसको ओपन करके रखे ना यस सर तो फिर इनफाइनाइट कैसे रखोगे कभी आप x का वैल्यू इनफिनिट ले नहीं पाओगे वो सिर्फ लिमिट में यूज होता है 33 फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x दिस बिकेम 0 कोई एक फ्रैक्शन मुझे बताओ कब 0 होता है a/b कब 0 होता है a 0 इफ a इक्वल टू 0 तो ये 0 होने के लिए 2 को 0 होना पड़ेगा इज इट पॉसिबल नो सर कभी नहीं होगा तो रेंज में कभी 0 नहीं आएगा बाकी सब कुछ आएगा एवरीथिंग यू विल गेट एक्सेप्ट 0 तो रेंज जो होगा ऑल रियल नंबर अदर देन समझाइए कि नहीं और बाकी सब कुछ आप जो बोलोगे मैं निकाल दूंगा आपको क्या चाहिए मैं वही वैल्यू निकाल दूंगा x वैल्यू निकाल दूंगा आप बोलोगे मुझे रेंज में 13 चाहिए तो लिख दो 2 - x/3 = 13 ठीक है दैट इंप्लाइज 2 = 13x - 39 देन x = 41/13 मिला आपका डोमेन में है
आपको जो कुछ एवरीथिंग यू विल गेट एक्सेप्ट जीरो और बाकी सब कुछ मिल जाता है. तो इसलिए y का वैल्यू और f of x वैल्यू दैट इज कॉल्ड रेंज. तो यहाँ पे रेंज होगा टोटल रियल नंबर अदर देन जीरो, डोमेन होगा ऑल रियल एक्सेप्ट थ्री. समझा? एंड रेंज क्या होता है? ऑलवेज सबसेट ऑफ को डोमेन होता है और इक्वल टू को डोमेन कभी कभी इक्वल होता है. समझा ये कि नहीं? यस सर. राइट ऑन. डन? यस सर. अब मैं कुछ ग्राफ दे रहा हूं, यू हैव टू टेल वेदर इट इज फंक्शन और नॉट. ठीक है?
ऐसा कुछ पांच छह ग्राफ दे रहा हूँ ये बॉक्स के अंदर। बॉक्स इसलिए दिया आप इसको कंसीडर करोगे डोमेन, ठीक है, एक्स वैल्यू, ये आपका वाई वैल्यू है, आप मान के चलो कि ये एक्स एंड वाई है, ये आपका डोमेन, ये आपका कोडोमेन, समझा, ये पार्ट आपका कोडोमेन, ये पार्ट आपका सब केस में ऐसे ही है। ये मैंने अच्छे कुछ रिलेशन दिया आपको बताने के वेदर इट इज फंक्शन और नॉट। फर्स्ट वन नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन, किसी को लग रहा है फंक्शन? सेकेंड वन नॉट फंक्शन, नॉट ए फंक्शन। थर्ड वन फंक्शन, फंक्शन। फोर्थ वन not function, fifth function, function, sixth one function, any changes, कोई कुछ change करना चाहते हो तो कर सकते हो। एफ मतलब नॉट ए फंक्शन, एफ मतलब फंक्शन, आपको कोई आंसर चेंज करना है तो, मतलब कोई चेंज करना है तो नॉट आंसर बता। एनीथिंग एल्स? अच्छा फर्स्ट वन आप बताएगा नॉट ए फंक्शन, कोई बताएगा व्हाट इज नॉट ए फंक्शन? क्योंकि सारे डोमेन के वैल्यूज के लिए कोडोमेन नहीं है। यस,
फोटो में नहीं, रेंज मतलब उसका इमेज नहीं है. Yes. जैसे मैं ए एक्स का इमेज क्या है, दिस इज द इमेज ए एक्स के लिए, इसका ये इमेज ए एक्स के लिए, ये आपका इमेज, आपका एक इमेज होना चाहिए, दो चार नहीं होना चाहिए. ए एक्स के लिए इसका इमेज कहाँ है, नहीं ना, आपका क्या ग्राफ इधर ही खत्म हो गया. तो यहाँ इसको ड्रॉ करो, ये जितने सारे एलिमेंट्स बचा ना, इसका कोई ये सब डोमेन है, ये सब एलिमेंट्स डोमेन है. तो ये इधर से लेके यहाँ तक जितने सारे एलिमेंट्स बचा ना, किसी का इमेज नहीं है. इवन एक ही एलिमेंट का इमेज नहीं रहेगा, देन इट इज नॉट ए फंक्शन. यहाँ पे कितने सारे एलिमेंट्स मैं काउंट करूंगा, मतलब पॉइंट के हिसाब से काउंट करूंगा, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर हियर, इनफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसका इमेजेस नहीं है. तो इट इज नॉट ए फंक्शन. सेकेंड वन, किसको लगा ये फंक्शन नहीं है? सर बोलो. वन से ज्यादा इमेज है ये पॉइंट को चेक करो, इसका कितने सारे इमेजेस आ रहा है, ए एक्स के लिए कितने सारे इमेज, एक दो, देयर आर थ्री इमेजेस. यूनिक है क्या? हमारा डेफिनेशन क्या बोलता है, कोई भी पॉइंट उठा उसका एक ही इमेज होना चाहिए. मैं ए पॉइंट लिया, ये एक्स के लिए मेरे पास थ्री इमेजेस आ रहा है, एक एक्स के लिए आपके पास तीन वाई वैल्यू मिल रहा है, एंड दिस थ्री वाई वैल्यूज आर डिफरेंट वैल्यूज, सो इट इज नॉट ए फंक्शन. आपको उधर ग्राफ के लिए एक बोलते हैं कि वर्टिकल लाइन टेस्ट करो. ओके, आपको क्या करना पड़ेगा, एक वर्टिकल लाइन उसके ग्राफ के ऊपर मूव कराओ, एक वर्टिकल लाइन ग्राफ के ऊपर मूव कराओ. वो लाइन, दिस इज द वर्टिकल लाइन, ठीक है ना, ये लाइन को मैं इसके ऊपर मूव कर रहा हूं. हर पॉइंट के लिए, हर एक्स के लिए आपको एक एक वाई मिलना चाहिए, जो इधर आपको नहीं मिला. बट एक केस में चेक करो, यहाँ पे आप ये पॉइंट चेक करोगे आपके पास एक ही इमेज है, बट इधर चेक करोगे आपके पास कितना इमेजेस हुआ. तो आपका ग्राफ को एक जगह पर वो कट करना चाहिए, कोई भी मतलब इसके अंदर आप वर्टिकल लाइन को चलाओगे, मूव कराओगे, वो एक 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 पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करना चाहिए, देन इट इज कॉल्ड ए फंक्शन. समझा? यहां तक वो एक एक पॉइंट था, यहां तक ठीक था, एक एक था. इसके बाद क्या हुआ, कहीं पे ये एक केस में आपको तीन तीन मिला, तीन मिला, तीन मिला, इधर फिर आपको एक मिल रहा है, ए पोर्शन में एक मिल रहा है, सो इट इज नॉट ए. समझा? यस. थर्ड वन, अभी आप आंसर चेंज कर सकते हैं. थर्ड वन फंक्शन और नॉट? यस सर. अब लाइन को मूव कराओ, कहीं पे देख रहे हो मोर देन वन पॉइंट आ रहा है क्या, इंटरसेक्शन पॉइंट? If more than one आ जाएगा, then it is not a function. आ रहा है क्या? No sir. So this is a function और आपका पूरा domain cover होना चाहिए, ठीक है? So it is a function. Fourth one. Not a function. इधर आपको कितना मिला? तीन point मिल रहा है ना? तीन जगह intersect कर रहा है. Yes sir. So it is not a function. सॉरी, ये इट इज नॉट ए फंक्शन, फंक्शन नहीं है. यस सर. हाँ, मोर देन वन इमेज मिला ना,
यस आई गॉट इट. दिस वन फंक्शन. यस फंक्शन है. ठीक है ये. यस सर फंक्शन. यस सर समझा. आपको जहां yes. पे दिखेगा मोर देन वन इमेज वर्टिकल लाइन के लिए मोर देन वन इमेज रहेगा देन इट इज नॉट ए. समझा. यस सर. ये हो गया आपका. अब देखते हैं कि नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होता है. नंबर ऑफ रिलेशन तो पता चला, नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होते हैं. ऐसा कुछ ड्रॉ करना है तो कर सकते. निकल जरूरी नहीं कि मैंने जैसे ग्राफ किया आप वैसे ही करोगे. आप अपने हिसाब से कर सकते हैं बट कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए. डन. यस सर. यस सर. आप लोग का पीएनसी हो चुका है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन. ओके. ये प्योरली जो नंबर नंबर निकालने के लिए प्योरली परमुटेशन कॉम्बिनेशन चाहिए. ठीक है. ये आपका फंक्शन ए टू बी आपका डोमेन में 4 एलिमेंट्स, को डोमेन में 5 एलिमेंट्स. तो आप मुझे बताओ नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी कितना होगा. नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम सेट ए इंटू सेट बी कितना हो सकता है. फोर. ऐसा क्यों सर. क्योंकि डोमेन में 4 एलिमेंट्स है. तो इसी एलिमेंट मैं आपको इधर ही सीधा सीधा मोर देन 4 दिखा सकता हूँ. इज इट फंक्शन. यस सर. यस फंक्शन. ऐसे ये एक फंक्शन हो गया. अभी 1 2 3 4 को बी के साथ रिलेट करा देंगे और एक फंक्शन होगा. सी के साथ करा देंगे और एक फंक्शन होगा. डी के साथ करा देंगे और एक फंक्शन होगा. ई के साथ करा देंगे और एक. इधर तो मैंने 5 भी बोल दिया. आपको कितना डिफरेंट फंक्शंस मिलेगा. हुँ?
नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम सेट ए इनटू सेट बी। आपका सेट ए फिलअप होना चाहिए। वन को कितने के साथ, किसके साथ आप रिलेट करा सकते हो? वन के पास कितने सारे चॉइसेस है? फाइव चॉइसेस। मतलब वन आप ए के साथ करा सकते हो, बी के साथ रिलेट करा सकते हो, सी के साथ, नहीं तो डी के साथ, नहीं तो ई के साथ। तो वन हैविंग फाइव चॉइसेस एंड बी के लिए फाइव, सी के लिए फाइव, सर फाइव पावर फोर हो जाएगा। सॉरी, वन टू थ्री फोर के लिए फाइव, तो कितना रहा? फाइव रेस टू फोर। इतने सारे नंबर्स ऑफ फंक्शंस, समझा? यस सर। प्योरली पीएनसी, मेक इट नोट। If set A having m elements and set B having n elements, then number of functions from set A into set B कितना होगा? n पावर m, सेकेंड का पावर फर्स्ट, मतलब b का पावर a होगा। नंबर ऑफ फंक्शंस आर n रेस्ट टू m, और यू कैन राइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट b अप टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेकेंड रेस्ट टू फर्स्ट, समझा? यहाँ पे जैसे हुआ फाइव रेस्ट टू फोर, सेकेंड का पावर फर्स्ट हुआ, इसमें भी सेकेंड का पावर फर्स्ट हुआ। इज दैट क्लियर? यस सर। तो फंक्शन समझ में आया? व्हाट इज फंक्शन, डोमेन क्या होता है, वो डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, देन आफ्टर नंबर ऑफ फंक्शंस। ओके, एक बार नोट कर लो। Done? Yes, sir. Yes, sir. Next is the classification of functions. Your function divided into three parts. एक होता है वन वन फंक्शन, एक होता है वन टू फंक्शन, और एक होता है बाइजेक्टिव। इसको वन वन और इट इज कॉल्ड इंजेक्टिव। वन वन फंक्शन और इट इज कॉल्ड
adjective. Okay, on two function it is called surjective. Bijective मतलब one one and on two दोनों जो हैं one one and on two. It is called bijective. What is one one function? Each image having its unique pre-image. क्या होगा? आप अरेंज पार्ट से आप ये ऐसे कर सकते हो. Is it one is it function or not? Yes, sir. Function na? Is it? Yes. बट दिस फंक्शन इज नॉट वन वन फंक्शन. वन वन फंक्शन मतलब आपका प्री इमेज जो होता है ना वो सिंगल होना चाहिए. इसका मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं, इफ एक्स वन इज नॉट इक्वल टू एक्स टू दैट इम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स वन इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू. यहाँ पे क्या आ रहा है? दिस टू आर डिफरेंट बट दोनों का इमेज क्या है? सेम है. ये दोनों डिफरेंट एलिमेंट बट दोनों का इमेज क्या है? सेम इमेज है. बट मैं क्या बोल रहा हूं, व्हेनेवर एक्स वन इज नॉट इक्वल टू एक्स टू, इफ एक्स वन इज नॉट इक्वल टू एक्स टू देन एफ ऑफ एक्स वन इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू. आप अलग अलग एलिमेंट ले रहे हो तो आपके पास अलग अलग इमेज आना चाहिए. डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स यू हैव डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वाई. समझा? डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स, फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वाई एग्जिस्ट देन द फंक्शन इज कॉल्ड वन वन फंक्शन. अच्छा, इसको ऐसे बोल सकते हैं क्या, एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू इम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एक्स टू. ये थोड़ा ऑड लग रहा है. एक्स वन क्यों मैं एक्स टू रखूंगा? ऑड लग रहा है. दिस इज नॉट करेक्ट. ये डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स having different or different domain having different. Domain मतलब पूरा सेट हो जाएगा. If y is equal to f of x ऐसे लिखते हैं, y is equal to f of x be a one one function. Then different values of x
having different y value, different values of समझा different x के लिए different y होना चाहिए. That means x1 is not equal to x2 implies f of x1 is not equal to, यहां पे x1 is not equal to x2, but दोनों का y value सेम है. एक केस में क्या आ रहा है, x1 is not equal to x2 but f of x1 equal to f of x2, so this is not a one one function. तो ये फंक्शन को क्या बोलेंगे, many one. Yes. Is it one one function? Yes. Yes, sir. Different x के लिए different y मिल रहा है? हाँ sir. Okay. So this is your one one function. ये function को क्या बोलेंगे? This is called many one function. Many one function. So make it note, if function not an one one function, फंक्शन आपका ऐसा नहीं होगा तो फिर ऐसा तो होगा ही होगा ना, और कुछ हो सकता है क्या? सपोज ऐसा नहीं हो पाया फंक्शन, ये तो कहीं ना कहीं मतलब दो तीन एलिमेंट और एक एलिमेंट के साथ मतलब रिलेट कर जाएगा, और कुछ ऑप्शन बनेगा क्या? नो सर. तो इफ ए फंक्शन नॉट ऑन वन वन फंक्शन देन द फंक्शन इज कॉल्ड many one function. ठीक है, if not on one one then it is called many one. one many सर, वो x1 equal to x2 होता है, one one की one many this is what वन के साथ मैनी, ये था क्या मैनी के साथ वन, यू आर वन के साथ मैनी, क्या हुआ? इज इट फंक्शन? इट इज नॉट ए फंक्शन, क्योंकि इसका डबल इमेज आ गया ना, थ्री हैविंग मोर देन वन इमेज, इट इज नॉट ए फंक्शन, इट इज रिलेशन बट नॉट ए फंक्शन, वो भी नोट कर लो. वन मेनी इज अ रिलेशन बट नॉट ए, आपका मेनी वन वर्ड आया ना इसलिए मैंने वन मेनी बता रहा हूं. वन मेनी इज अ रिलेशन बट नॉट ए
वन मेनी फंक्शन होता है बट मेनी नो मेनी वन फंक्शन होता है, वन मेनी कभी फंक्शन नहीं होता. वन मेनी इज अ रिलेशन बट नॉट ए. अब बताओ नंबर ऑफ फंक्शंस कितना होगा, नंबर ऑफ वन वन फंक्शन. नंबर ऑफ वन वन फंक्शन बताओ. सर 5 × 4 × 3. क्या उदय क्या बोल रहे हो? वन वन फंक्शन शुड बी एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू. बट वो केस में एक्स वन इक्वल टू एक्स टू होना चाहिए. बट हम एक्स वन इक्वल टू एक्स टू क्यों रखेंगे जबकि मेरे पास अब डिफरेंट एलिमेंट, मैं सेम एलिमेंट क्यों ढूंढूंगा कि एक्स वन इक्वल टू एक्स टू क्यों ढूंढूंगा. ये साइड में, ये साइड में मैं एक्स वन इक्वल टू एक्स टू क्यों रखूंगा, वो केस था. इसलिए वो थोड़ा ऑड लग रहा है. इफ एक्स वन इज नॉट इक्वल टू एक्स टू इम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स वन इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू, देन द फंक्शन इज कॉल्ड वन वन फंक्शन. डिफरेंट एक्स डिफरेंट वाई, इतना याद रखो, डिफरेंट एक्स डिफरेंट वाई वैल्यू मिलना चाहिए, देन द फंक्शन इज कॉल्ड वन वन फंक्शन. डिफरेंट एक्स के लिए सेम वाई नहीं होना चाहिए. हाँ, इसमें नंबर ऑफ फंक्शन कितना हुआ, वन वन फंक्शन 5 × 4 × 3. ऐसा क्यों? वन के लिए कितने सारे चॉइसेस आपका आपके पास? फॉर वन आपके पास कितने सारे चॉइसेस है? फाइव. फाइव चॉइसेस. आप वन किसी के साथ रिलेट कर सकते हो, ए के साथ हो सकता है, बी के साथ हो सकता है, सी के साथ हो सकता है, डी के साथ हो सकता है, ई के साथ. सपोज वन को मैंने सी के साथ रिलेट करा दिया, देन बी के लिए क्या बचा? बी अभी और सी के साथ नहीं आ पाएगा. आप बी सी के साथ रिलेट करा दोगे देन इट इज नॉट अन वन वन फंक्शन, है ना. तो वन वन के लिए बी के लिए आपके पास सी नहीं रहेगा, सी हट जाएगा. तो बी के लिए और चार चॉइसेस बचा. थ्री के लिए सपोज बी को मैंने ए के साथ रिलेट करा, थ्री के लिए आपके पास थ्री चॉइसेस, 5 × 4 × 3. ये फिलअप हो जाना चाहिए. ये फिलअप हो जाएगा तो देन वन वन फंक्शन बनेगा. समझा? अच्छा, तो इसको कैसे लिखेंगे? कैन आई राइट 5 × 4 × 3 मतलब 5P3. फाइव पी थ्री क्या होता है? 5 × 5 − 3, है ना? यस सर, 5/2. 5 × 2. तो 2 मतलब 1 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3 4 5. यस सर. समझा? हाँ सर. तो ये ए हैज एम एलिमेंट्स, बी हैज एन एलिमेंट्स, देन नंबर ऑफ वन वन फंक्शन from set A into set B. क्या होगा?
NPN. NPN. Okay. That's fine. Suppose कितने नंबर ऑफ वन ऑन फंक्शन होगा नंबर ऑफ वन ऑन फंक्शन कितना होगा ये केस में वन के लिए कितना चॉइसेस थ्री टू के लिए थ्री क्यों सर टू थ्री के लिए वन तो वन सपोज मैंने बी के साथ करा दिया टू को ए के साथ करा दिया सी फोर फोर किसके साथ होगा सर नो इमेज नहीं बचा ना और जिसके साथ वो रिलेट करेगा देन इट्स नॉट बिकम ऑन ऑन फंक्शन और इसको तो हम खाली रख नहीं पाएंगे खाली रखेंगे तो फंक्शन बनेगा ही नहीं और जिसके साथ हम रिलेट करा देंगे देन इट इज नॉट अ वन ऑन फंक्शन तो क्या होना चाहिए नंबर ऑफ वन ऑन फंक्शन कितना होगा एक केस में जीरो जीरो तो आप जैसे कि ये जानते ना एनपीएम एग्जिस्ट ओनली व्हेन एम वैल्यू इससे छोटा होना चाहिए नहीं तो इक्वल होना चाहिए ठीक है तो इसको मैं और तीन सेट बना मतलब थ्री डिफरेंट आंसर बना देता हूँ ये एक्चुअल आंसर इसको आप ऐसे लिख सकते हो एन पी एम इफ एन वैल्यू ग्रेटर द एम और जीरो हो जाएगा इफ एन वैल्यू लेस द एम इफ एन इक्वल टू एम आप एनपीएम यूज कर सकते हो ओके एनपीएम का मतलब होता है एन फैक्टर अपॉन n माइनस एन फैक्टर इफ n इज इक्वल टू m तो क्या होगा ये n फैक्टोरियल अपॉन जीरो फैक्टोरियल हो जाएगा क्योंकि n n इक्वल टू m तो ये जीरो फैक्टोरियल कितना होता है वन तो आपका आंसर क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल जो भी बोलो दिस वन सेम एज दिस थिंग एक्चुअली When n less than m होता है ना ये नेगेटिव हो जाता है इफ n less than m तो ये नेगेटिव नेगेटिव का फैक्टोरियल नहीं मिलता है इसलिए जीरो हो जाता है ओके तो npm npm इज द करेक्ट आंसर इसको मैंने तीन सब पार्ट में तोड़ दिया npm कब एग्जिस्ट करेगा जब n का वैल्यू मोर देन m होगा इक्वल होगा भी एग्जिस्ट करेगा इक्वल केस में आपको इट इज कमिंग n फैक्टोरियल नहीं तो m फैक्टोरियल And less than होगा तो ये exist नहीं करता है then this becomes zero. समझा? Right.
डन लाइक लास्ट टाइम कुछ ऐसा फिगर दे रहा हूँ यू हैव टू टेल वेदर इट इज वन वन फंक्शन ऑफ नॉट बताओ फर्स्ट वन यस सर वन वन फंक्शन और नॉट हाँ वन वन फंक्शन ओके आज मतलब ये सब बोल रहे हो सेकंड यस सर वन वन फंक्शन थर्ड Third one? Not a function. Not a function. Fourth one? Yes. Yes. Fifth one? Yes. Sixth one? Yes. 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 Acha. Second. फोर्थ और फिफ्थ नो है हाँ सर सेकंड नो होगा सबका सेम वैल्यू आ रहा है सेकंड फोर्थ एंड फिफ्थ फर्स्ट वन डिफरेंट एक्स के लिए डिफरेंट वाई वैल्यू मिल रहा है हाँ सर कोई वाई वैल्यू सेम है क्या नो सर यहाँ पे चेक करो मेरा डिफरेंट एक्स है वाई का वैल्यू अलग है क्या सेम वैल्यू है सर सेम वैल्यू ऑफ वाई डिफरेंट एक्स दे रहा है बट सेम वैल्यू ऑफ वाई सो दिस इज नॉट ऑन वन वन फंक्शन यस सर डिफरेंट एक्स दे रहा है बट सेम वाई दे रहा है आपको इधर क्या टेस्ट करना है हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करना है यस सर ओके हॉरिजॉन्टल लाइन मोर देन वन नहीं करना चाहिए
उधर जैसे वर्टिकल लाइन ड्रॉ किए थे ना, इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे, हॉरिजॉन्टल लाइन आपका मोर देन वन पॉइंट नहीं करना चाहिए। यहाँ पे आप हॉरिजॉन्टल लाइन चलाओ फर्स्ट फिगर में, कहीं पे भी आपको मोर देन वन नहीं आएगा। बट इसमें क्या है, सबके सब है। थर्ड वन सर वहाँ होगा वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन नाइस, इट इज नॉट ए फंक्शन। इसका कहाँ है इमेज, कहाँ है एलिमेंट्स का, आपका डोमेन फिलअप नहीं हुआ। फंक्शन होगा तो फिर हम वन वन पर जाएंगे कि जो कुछ करेंगे, ठीक है। इट इज नॉट ए फंक्शन। फोर्थ वन, नो सर, क्या है, many one yes। यहाँ पे क्या हो रहा है, different x but same y दे रहा है ना, different x value but same y value, yes sir, so it is not on one one function। ये ऐसे different x same y दे रहा है, different x same y there, that is not on one on function। ye yes, isko kya bolenge, isko bolenge one one, isko kya bolenge many one। dekho jo one one nahi hua na wo many one hoga, many one matlab different x aapka same y, not a function। ये many one, ये भी many one, ये आपका समझा। ग्राफिकली चेक करो मेरे केस कितना वन वन मिला है फर्स्ट एंड ये केस, तो ग्राफिकली वन वन फंक्शन इसको बोलते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन, इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। ओके, ग्राफिकली वन वन फंक्शन आइदर इंक्रीजिंग बाय नेचर और डिक्रीजिंग। ओके यस सर, वो भी नोट कर दो। तो ग्राफिकली every one one function either increasing or decreasing, increasing होगा नहीं तो decreasing होगा, समझा। Yes, sir. PHI. Done? Yes, sir. Yalla. Thank you. Bye. Bye, sir. Bye. Bye.